बहुत समय पहले समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में नंदनी अपनी बीमार बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। घर का गुजारा चलाने के लिए नंदनी नदी से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन की बात है, नंदनी को नदी किनारे बैठे काफी देर हो गई, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। ये देख नंदनी चिंता में पड़ गई। हे भगवान, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं फंसी, अब मैं क्या करूं? आज क्या भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? माँ ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहते हुए नंदनी उदास हो गई। तभी अचानक उसके जाल में कुछ हलचल हुई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, आखिर मेरे जाल में मछली फंस ही गई। फिर जैसे ही नंदनी ने जाल को बाहर खींचा तो उसने देखा जाल में केवल 2-3 मछलियाँ ही फंसी थी। अरे ये क्या, मेरे जाल में तो सिर्फ 2-3 मछलियाँ ही फंसी हैं। इतने कम मछलियों को बाजार में बेचकर क्या ही करूँगी। ऐसा करती हूँ, इन्हें घर ले जाती हूँ, इन मछलियों को पकाकर माँ को खिलाऊंगी। तभी आसमान से गुजर रही रानी सोनपरी ने उसकी बातें सुन ली। लगता है ये लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है कि हम केवल उसी की मदद करते हैं जो नेक और दयालु हो। ये कहते हुए सोनपरी एक बूढ़ी औरत का वेश बदलकर नंदनी के पास गई और बोली, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कैसी मदद अम्मा? दरअसल मेरी बीमार बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? अम्मा मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास ये 3 मछलियाँ हैं। आप इन मछलियों को ले जाओ और पकाकर अपने बेटे को खिला देना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ये कहते हुए नंदनी 3 मछलियाँ बूढ़ी अम्मा को देकर वहाँ से जाने लगी। ये देख खुश होते हुए बूढ़ी अम्मा बोली, रुको नंदनी, कहाँ जा रही हो? ये कहते हुए बूढ़ी औरत सोनपरी में बदल गई। नंदनी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, सच में तुम बहुत ही नेक और दयालु हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। जादुई लहंगे से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, ये लो इसे तुम अपने पास रख लो। इतना कहकर सोनपरी वहाँ से अदृश्य हो गई। नंदनी खुशी खुशी वो जादुई लहंगा लेकर घर लौट आई और माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं इस लहंगे को एक बार पहनकर देखती हूँ। ये कहते हुए नंदनी ने जैसे ही वो जादुई लहंगा पहना वो एक सुंदर परी के रूप में बदल गई, और साथ ही नंदनी के हाथों में जादुई छड़ी भी प्रकट हो गई। ये चमत्कार देख नंदनी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये क्या, मैं तो परी बन गई। माँ देखो ना, मेरे पास परियों की तरह सुंदर सुंदर पंख भी आ गए, अब मैं भी आसमान में परियों की तरह उड़ सकूंगी। हाँ बिटिया, तुम बिल्कुल परी लग रही हो, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। हाँ माँ, जादुई लहंगे ने तो मुझे परी बना दिया, लेकिन इस लहंगे का इस्तेमाल करना कैसे है, ये तो सोनपरी ने मुझे बताया ही नहीं। नंदनी के इतना कहते ही जादुई लहंगे में से आवाज आई, भोली भाली नंदनी, तुम मुझसे जो भी मांगोगी तुम्हारे सामने वो चीज प्रकट हो जाएगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? माँ और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम हमें स्वादिष्ट भोजन करा सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी करती हूँ। इतना कहते ही स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली प्रकट हो गई। ये देख नंदनी खुशी से झूम उठी। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया, तुम्हारा धन्यवाद जादुई लहंगा। उसके बाद नंदनी ने अपनी माँ के साथ पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद नंदनी माँ से बोली, माँ आज पहली बार हमें इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। हाँ बिटिया, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, सच में हमें सोनपरी का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हें ये जादुई लहंगा दिया। तुमने सही कहा माँ, अब देखना हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, हमें अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे मैं तो कहती हूँ तुम जादुई लहंगे से गरीब और परेशान लोगों की मदद भी करो, हमारी तरह ना जाने कितने ही लोग गरीबी से गुजर रहे हैं,
जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना और ना ही पहनने के लिए कपड़े। तुम उनकी मदद करना बेटी। हाँ माँ, मैं कल से ही गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी। चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होते ही नंदिनी जब जादुई लहंगा पहनकर घर से बाहर निकली तो उसे परी के रूप में देखकर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। और फिर वो नंदिनी से बोले, अरे ये सब क्या है नंदिनी, तुम परी कैसे बन गई? सच में नंदिनी, तुम तो परीलोक में रहने वाली परी लग रही हो। आखिर ये सब कैसे हुआ, बताओ हमें। ये सब सोन परी के दिए हुए जादुई लहंगे का कमाल है। इस लहंगे की वजह से मैं परी बनी हूँ। अब मैं गांव के सभी लोगों की मदद कर सकती हूँ। अगर आपको किसी चीज की परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जादुई लहंगे की मदद से मिनटों में सारी परेशानियाँ आप लोगों की दूर कर दूंगी। नंदिनी की बात सुन सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी उनमें से एक औरत बोली, नंदिनी बिटिया, मेरी बेटी की एक हफ्ते बाद शादी है, लेकिन मेरे पास शादी का जोड़ा और गहने खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो काकी, मैं अभी आपकी बेटी के लिए सुंदर सा शादी का जोड़ा और गहने प्रकट करती हूँ। साथ ही मैं तुम्हें पैसे भी देती हूँ ताकि शादी में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ये कहते हुए नंदिनी ने जादुई लहंगे से अनुरोध किया और अगले ही पल वहाँ सुंदर सा शादी का जोड़ा, ढेर सारे गहने, रुपयों से भरा हुआ बैग प्रकट हुआ। ये देख बाकी लोग भी एक एक कर नंदिनी से अपनी परेशानी बताने लगे। जादुई लहंगे की मदद से नंदिनी ने सभी गांव वालों की परेशानी दूर की। फिर गांव वाले नंदिनी का शुक्रिया अदा कर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस तरह नंदिनी रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में फैल गई। अब दूर दूर से परेशान लोग नंदिनी से मदद मांगने आने लगे। तभी ये खबर जंगल में रहने वाली मोना नाम के दुष्ट जादूगरनी को पता चली तो वो मुस्कुराते हुए बोली, सोन परी का जादुई लहंगा, उस लहंगे को तो मैं आज उस लड़के से छीन लूंगी। उसके बाद जादूगरनी मोना नंदिनी के पास गई और बोली, सुनो लड़की, तुम्हारे पास जो जादुई लहंगा है उसे मुझे दे दो। पर वो तो मुझे रानी सोनपरी ने दिया है। हाँ, लेकिन रानी सोनपरी ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुमसे जादुई लहंगा लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये लहंगा तुम्हें कुछ ही दिन के लिए दिया था। चलो अब जल्दी से जादुई लहंगा मुझे दे दो, मुझे परीलोक जाने में देरी हो रही है, वरना सोनपरी नाराज हो जाएंगी। नंदिनी बहुत ही भोली भाली थी, इसलिए वो दुष्ट जादूगरनी मोना की बातों में आकर उसे वो जादुई लहंगा दे दिया। जादुई लहंगा हाथ में लेते ही जादूगरनी मोना मन ही मन खुश होते हुए बोली, अब मैं जादुई लहंगे के जरिए परी के रूप में बदल जाऊंगी, फिर परीलोक पहुँच कर परीलोक को अपने कब्जे में कर लूंगी। उसके बाद पूरी दुनिया को मैं अपना गुलाम बना लूंगी। फिर अपनी गुफा में जाकर जादूगरनी मोना ने वो जादुई लहंगा पहन लिया। लेकिन लहंगे को पहनते ही जादूगरनी मोना को बहुत तेज बिजली के झटके लगने लगे। आ, आ, अरे ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, हाय मर गई रे। आ, आ, जादुई लहंगा पहनते ही मुझे बिजली के झटके क्यों लग रहे हैं? आ, आ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। ये कहते हुए जादूगरनी मोना दर्द से तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तभी वो जादुई लहंगा उसके शरीर से अलग होकर जोर जोर से हंसने लगी। लालची और दुष्ट जादूगरनी हमारा इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं जो नेक और दयालु हो, तुझ जैसी कपटी नहीं, इसलिए दोबारा मुझे पहनने की हिम्मत मत करना, नहीं तो अगली बार तुम्हें बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर जादुई लहंगा हवा में उड़ती हुई वापस नंदिनी के घर जा पहुंची। जादुई लहंगे को वापस देख नंदिनी हैरानी से बोली, अरे ये तो वही जादुई लहंगा है जो कुछ देर पहले परी मुझसे वापस ले गई थी, लेकिन ये वापस यहाँ कैसे? तभी जादुई लहंगे में से आवाज आई, नंदिनी मैं परीलोक गई ही नहीं थी, बल्कि वो दुष्ट जादूगरनी तुम्हें झूठ बोलकर मुझे यहाँ से ले गई थी।
लेकिन मैंने उस जादूगरनी को ऐसा सबक सिखाया है कि वो कभी दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। नंदिनी जादुई लहंगे को फिर से पाकर बहुत खुश हुई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और नंदिनी फिर से जादुई लहंगे की मदद से गरीब परेशान लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। बिंदियापुर गांव में मानसी अपनी सौतेली माँ शांति और अपनी सौतेली बहन निशा के साथ रहती थी। मानसी का रंग सांवला था और वहीं निशा का रंग गोरा था और वो बहुत सुंदर थी। अपनी सौतेली माँ शांति के धमकी से लाचार होकर मानसी दिन भर घर का सारा काम करती थी। घर का सारा काम करके मानसी अपनी सौतेली माँ के पास आकर कहती है, माँ मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। घर का काम कर दिया है तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है, कल मुँह ही कहेगी, जाए यहाँ से। अपनी माँ की बात सुनकर मानसी नम आंखों के साथ सिलाई करने बैठ जाती है। तभी वहाँ शांति आती है और कहती है, अरे ओ नाश पीटी और कल्लो माई, बंद करिए खटर पटर। जब देखो सिलाई मशीन पर बैठकर खटपट करती रहती है, सारी नींद खराब कर दी। चल अब जल्दी से मेरे और मेरी बेटी के लिए चाय बना कर ला। माँ बस मुझे थोड़ी देर दे दो, आज विमला काकी की बेटी की शादी है, बस उसका लहंगा तैयार होने ही वाला है, फिर मैं झटपट से चाय बना दूंगी। मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे चाय चाहिए तो चाहिए, अपना ये लहंगा लाचा बाद में सिलती रहियो, वरना मैं तुझे इस सिलाई मशीन के साथ घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ठीक है माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। मानसी सिलाई मशीन छोड़कर उनके लिए चाय बनाती है, चाय बनाकर उन्हें दे आती है, फिर वो लहंगा सिलने बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद विमला काकी उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे मानसी दरवाजा खोल। मानसी दरवाजा खोलने जाती है और विमला काकी को अंदर लेकर आती है। लहंगा तैयार हो गया है क्या? हाँ काकी हो गया है, ये लो लहंगा। लहंगा देखकर विमला काकी कहती है, अरे वाह मानसी कितना सुंदर लहंगा सिला है तूने, कितनी बारीक बनावट और तुरपाई भी एकदम महीन, ये ले तेरा मेहनताना 1500 रुपए। पर काकी ये 1500 तो बहुत ज्यादा है। अरे मानसी तेरे हाथों के हुनर के आगे तो ये 1500 रुपए बहुत कम है। मानसी बेटा मैं तो बस भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब तू अपनी शादी का लहंगा सिले। पूरे 22 बरस की हो चली है तू, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तेरे हाथ कब के पीले हो चुके होते। इतना कहकर विमला काकी चली जाती है। विमला काकी के जाते ही शांति मानसी के हाथ से वो सारे पैसे छीनते हुए कहती है, ला दे ये सारे पैसे मुझे। नहीं माँ मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी, मैंने ये पैसे सिलाई मशीन पर अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर कमाए हैं। मैं लहंगों का एक बहुत बड़ा बूटीक खोलना चाहती हूँ, आप मेरे पैसे मुझसे मत लीजिए। तभी वहाँ निशा भी आ जाती है और कहती है, जानती हो माँ ये काली कलूटी विमला काकी से हम माँ बेटी की बुराई कर रही थी, वो तो मैंने इसकी बातें सुन ली। अच्छा जी क्यों रे नमक हराम, क्या खुसर बुसर कर रही थी तू, चार पैसे क्या कमाने लगी है, तेरे तो तेवर ही बदल गए, लगता है तेरे घर में झाड़नी पड़ेगी, आज तू सारा दिन घर से बाहर रहेगी समझी। नहीं माँ ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। शांति मानसी की एक नहीं सुनती और मानसी को घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाहर मानसी काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है परंतु अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर इंतजार के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो मानसी रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में सरजू और राजू नाम के दो लकड़हारे लकड़ियां काट रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई शाम के समय तो मुझसे लकड़ियां काटी ही नहीं जाती, मेरे हाथ तो बिल्कुल जम से गए हैं, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस समय लकड़ियां काटने नहीं आता, काश ही कुछ ऐसा होता जिससे हमारी गरीबी मिट जाती। अरे भाई ऐसा कुछ तो है, मैंने सुना है जहाँ पर यह जंगल खत्म होता है वहाँ एक जादुई लहंगों की दुनिया है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की, इसलिए मैं आज तक कभी नहीं गया। उन दोनों की बातें सुनकर मानसी की आंखों में एक आर झिलमिलाने लगती है, वो तुरंत ही वहाँ निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है, उस दरवाजे को देखकर मानसी कहती है, ये कैसा दरवाजा है, इसका ढांचा तो लहंगे की डिजाइन का है, मुझे लगता है शायद इसी दरवाजे के पीछे लहंगों की दुनिया है, मुझे सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए, अब तो इस दरवाजे के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है।
जैसे ही मानसी वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो लहंगों की दुनिया का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। वहाँ कई सारे पेड़ों की डाल पर सुंदर सुंदर लहंगे लटक कर चमचमा रहे होते हैं, परंतु उन सभी पेड़ों के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उन्हें इस तरह रोता देखकर मानसी पेड़ों से पूछती है, अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? हम सब इन सभी जादुई लहंगों के लदे बोझ से थक गए हैं, क्या तुम हमें हल्का कर दोगी? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको बोझ से निजात जरूर दिलवाऊंगी। मानसी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगती है जिससे सारे जादुई लहंगे नीचे गिर जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, अब तुम इन सभी जादुई लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाओ, वहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है पेड़ जी। पेड़ के कहे अनुसार मानसी उन लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाती है जहाँ बहुत सारी काली काली लड़कियाँ खड़ी थी। उन लड़कियों की आंखों में बहुत बेचैनी थी। उन्हें देखकर मानसी उनसे पूछती है, सुनो तुम सभी परेशान क्यों हो? मेरा नाम रेशमा है, हम सभी जादुई लहंगे के इंतजार में खड़े हैं क्योंकि इससे ही हमारा काला रंग मिटेगा। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आई हूँ। अरे हाँ, ये तो वही जादुई लहंगा है, क्या तुम इस लहंगे को हमें दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लहंगे तुम बेझिझक रख लो। मानसी उन लहंगों को उन्हें दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया लड़की। इसके बाद मानसी आगे बढ़ जाती है जहाँ उसे जादुई लहंगों से बना बहुत बड़ा आलीशान घर दिखता है। उसके अगल बगल बहुत सारे जादुई लहंगों के पेड़ भी लगे हुए थे और वहाँ दुल्हन की तरह सजी एक लड़की भी खड़ी थी। वो मानसी को देखकर कहती है, आओ मानसी, जादुई लहंगा लोक में बना ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा स्वागत करता है। आज से ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा है, ये तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। ये सुनकर मानसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और वो बोलती है, अभी नहीं, पहले मुझे अपने घर जाना होगा। वहाँ मेरी माँ और पिता से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं उन्हें लेकर जल्दी से लौटूंगी। ठीक है, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसके बाद मानसी जादुई लहंगा लोक से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है जहाँ घर के बाहर खड़ी उसकी सौतेली बहन निशा गुस्से से कहती है, माँ जल्दी बाहर आओ, देखो ये कलमोही लौट आई है। क्यों री मेरी काली बहन, कहाँ थी अब तक? आज तो माँ तेरी अच्छे से हिसाब लेगी। मानसी बिना अपनी बहन को कोई जवाब दिए भीतर आकर अपने सामान बांधने लगती है, जिन्हें देखकर शांति कहती है, अरे ओ छोटी, क्या भर रही है इस बैग में? माँ मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे रहने के लिए घर मिल गया है। ये सुनकर निशा कहती है, जाने दो माँ, इसके जाने से हमारे घर के ऊपर से काला बादल तो हटेगा। ये सब सुनकर मानसी चुपचाप बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी निशा कहती है, अरे यो मेरी काली बहन, इतना तो बताती जा, आखिर तू जा कहाँ रही है? जादुई लहंगे लोक में बसे जादुई लहंगा घर में, अब मुझे इस घुटन भरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मानसी चली जाती है। ये सुनकर शांति अपनी बेटी निशा से कहती है, अरे मेरी बुद्धू बेटी, ऐसे खड़ी क्या है, इसका पीछा कर, आखिर माजरा क्या है पता तो कर। अपनी माँ की बात मानकर निशा मानसी का पीछा करने लगती है और लहंगे के दरवाजे तक पहुँच जाती है। अरे ये दरवाजा लहंगे का क्यों बना है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस जादुई लहंगा घर चाहिए। निशा मन में लालच लिए जादुई लहंगा लोक में प्रवेश करती है जहाँ लहंगों से लदा पेड़ निशा से कहता है, जरा सुनो बेटी, मेरे तने इन लहंगों के बोझ से झुक गए हैं, तुम इन लहंगों को उतार कर मेरा बोझ हल्का कर दो। मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ, तुम्हारी मदद करने नहीं। इतना बोलकर निशा आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वही काली लड़कियाँ मिलती है जो मानसी को मिली थी। जरा रुको लड़की, क्या तुम हमारे लिए लहंगे लेकर नहीं आई? अरे मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आऊँगी? हटो मेरे रास्ते से। निशा उन लड़कियों को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत बड़ा लहंगों का घर दिखाई पड़ता है जिन्हें देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे घर में प्रवेश करने जाती है कि तभी उसके रास्ते में दुल्हन सी सजी लड़की दलदल पैदा कर देती है और निशा उसमें डूबने लगती है। अरे अरे कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे। निशा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मानसी लहंगा घर से बाहर आती है। मानसी को देखकर निशा कहती है,
मानसी, मानसी मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मेरी बहन, बुरे लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तभी दुल्हन सी सजी लड़की निशा को बहुत ही बदसूरत बना देती है और उसे लहंगा लोक से बाहर फेंक देती है। निशा रोते रोते अपने घर पहुंचती है। निशा को ऐसी हालत में देखकर शांति कहती है, अरे ये भिखारिन कैसे मेरे घर में घुसी चली आ रही है, अरे कौन हो तुम और निकलो यहाँ से। अरे माँ मैं हूँ आपकी बेटी निशा। अरे बेटी तू उस कल्लो माई की तरह इतनी काली कैसे हो गई? फिर निशा रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। देखा माँ आपका लालच मुझे ले डूबा, हाथ तो कुछ लगा नहीं उल्टा मैंने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। वही मानसी जादुई लहंगे के घर में ऐसे अपनी जिंदगी जी रही है। उस दिन के बाद से निशा को बदसूरत शक्ल लेकर ही जीना पड़ता है और शांति को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। दूसरी तरफ मानसी साफ मन की होने के कारण लहंगा लोक की मालकिन बन जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे। किसी गांव में अनुष्का अपने सौतेली माँ अनीता के साथ रहती थी। अनीता बहुत ही मक्कार और मतलबी किस्म की औरत थी। वो अनुष्का से सारा दिन घर का काम करवाती थी और उसको रात में बचा कुचा बासी खाना देती थी। इसी तरह दुखों से भरे अनुष्का की जिंदगी कट रही थी। एक दिन अनुष्का की सहेली अंजलि की शादी थी, लेकिन अनुष्का के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए वो अनीता के पास जाती है और कपड़ों की मांग करती है। माँ मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है और जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने हैं, कृपया मुझे अंजलि की शादी में पहनने के लिए एक लहंगा दिलवा दो ना। अरे तुझ जैसे भिखारन को लहंगा चाहिए? तेरा बाप यहाँ पर पैसों से भरा बक्सा थोड़ी ना छोड़कर गया है जो मैं तेरी हर फरमाइश पूरी करती फिरूं। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का सारा काम खत्म कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। अनुष्का उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। अनुष्का अपना एक पुराना सा फटा हुआ लहंगा कैसे न कैसे सिलकर उसको तैयार कर लेती है और उसको धोकर डाल देती है ताकि वो उसको अंजलि की शादी में पहनकर जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए अपना लहंगा छत से उतारने जाती है तो वो देखती है कि लहंगा वहाँ से गायब है। इसलिए अनुष्का उदास मन से अपने गंदे सड़े कपड़ों में ही अंजलि की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग अनुष्का पर बहुत हंसते हैं। वो सब देखकर अनुष्का और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के पास आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आपने मुझसे मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाप को मेरे पास वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और घर का सारा काम करवाती है और मुझे काम करवाने के बाद घर का बचा कुचा बासी खाना देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर बहुत मारती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा मत करो भगवान मेरे साथ। इतना कहकर अनुष्का रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। परी जैसे ही अनुष्का को रोता देखती है तो परी को अनुष्का पर दया आ जाती है और परी अनुष्का से बोलती है, अरे बेटी तुम रो क्यों रही हो? अनुष्का परी को देखकर डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम और ये तुम्हारे पीछे पंख कैसे लगे हैं? मेरी सौतेली माँ ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है ना? नहीं मैं एक परी हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? परी के इतना कहते ही अनुष्का परी को सारी बात बताती है। तभी परी अपने जादू से अनुष्का को दो सोने और चांदी के लहंगे देती है। अनुष्का ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये लहंगे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अब तुम खुशी खुशी इन लहंगों को लेकर अपने घर जाओ। अनुष्का खुशी खुशी उन जादुई सोने और चांदी के लहंगों को लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों लहंगों को छुपाकर अपने अलमारी में रख देती है। रात हो चुकी थी। अनीता बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज घर में खाना नहीं बना था, इसलिए वो बहुत तेज से चिल्ला रही थी। अरे
कहाँ मर गई गरम जली, घर में खाना भी बनाना है। तभी वहाँ पर अनुष्का आ जाती है। तुझे पता नहीं है कि अभी तक घर में खाना भी नहीं बना है? माँ, मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी सहेली अंजलि की शादी है, मैं वही गई थी। अच्छा, तो तू अब अपने मन के भी करने लगी है, मुझसे बिना पूछे उसके शादी में भी चली गई। इतना कहकर अनीता अनुष्का को खींचकर एक चाटा मारती है। माँ, मुझे मत मारो ना, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनुष्का रोते रोते रसोई में खाना बनाने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना पहले से ही बना हुआ है। वो सब देखकर अनुष्का दंग रह गई। अरे, खाना तो पहले से ही बना हुआ है, आखिर ये कैसे हो सकता है। अनुष्का रसोई में खड़ी हुई थी तभी वहाँ पर सोने और चांदी के दोनों लहंगे प्रकट हो जाते हैं और उनमें से सोने का लहंगा कहता है, अनुष्का ये खाना हमने बनाया है, जाओ ये खाना अपनी माँ को दे आओ। हाँ अनुष्का, अपनी माँ को ये खाना देकर आओ, फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अनुष्का दोनों लहंगों की बात सुनती है और प्लेट में खाना लगाकर अपनी माँ को देने जाती है। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया तूने, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता है ये उसी का असर है, इसलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया। चल अब खाना यहाँ रख और निकल यहाँ से। अनुष्का के जाने के बाद अनीता खाना खाने लगती है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही अनीता को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अनुष्का वहाँ पर आती है तो वो अनीता को बेहोश देख उसको होश में लाने की कोशिश करती है। माँ उठो ना, आपको क्या हुआ, उठो ना माँ। इतना कहकर अनुष्का अनीता के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। अनीता के मुंह पर पानी के छींटे पड़ते ही अनीता को होश आ जाता है और वो अनुष्का से कहती है, करम चली तूने मेरे खाने में क्या मिलाया था। कुछ नहीं माँ, मैंने आपके खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। तू ऐसे नहीं बताएगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर अनीता अनुष्का को बहुत मारती है। अनुष्का को हाथ पैर में बहुत चोट लग गई थी और तो और अनीता ने अनुष्का को 3 दिन तक खाने को कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन अनीता को ये नहीं पता था कि अनुष्का के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। अनुष्का लहंगों की मदद से ही खा पी रही थी। लेकिन एक दिन अनीता अनुष्का को लहंगों से चीजें मांगते देख लेती है। जादुई सोने का लहंगा, मुझे कुछ कपड़े दे दो, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, और चांदी का लहंगा तुम मुझे कुछ अच्छा सा खाना खाने के लिए दे दो। अरे ये तो जादुई लहंगा लग रहे हैं, और अनुष्का इनसे किसी भी चीज की मांग कर रही है तो ये लहंगे उसको ला कर दे रहे हैं। क्यों ना मैं अगर इन लहंगों को चुरा लूं तो मैं जादुई लहंगा से बहुत सारा सोना चांदी मांग सकती हूँ और अमीर हो सकती हूँ। इतना सोचकर अनीता अगले दिन रात में अनुष्का के कमरे में से दोनों लहंगे चुरा लेती है और अपने कमरे में अलमारी में जाकर रख देती है। अगले दिन सुबह अनुष्का दोनों जादुई लहंगों को अपनी अलमारी में ना पाकर बहुत दुखी होती है। अरे मेरे दोनों जादुई लहंगे कहाँ हैं? इधर अनीता अपने कमरे में दोनों लहंगों को अलमारी में से निकालती है और उनसे कहती है, सोने और चांदी के लहंगों, तुम दोनों मुझे भर भर के सोना चांदी दो। अनीता के इतना कहते ही दोनों लहंगों में से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं और अनीता को मारने लग जाते हैं। अनीता डर के मारे भागते भागते अनुष्का के कमरे में पहुंचती है और साथ में वो दोनों लहंगे भी उसके पीछे पीछे आते हैं। अनुष्का मुझे बचा लो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे दोनों जादुई लहंगे चुरा लिए, मैंने इनसे बहुत सारे सोना चांदी मांगे लेकिन इसमें से बहुत सारे पत्थर निकले और मुझे मारने लगी, तुम इनसे कहकर मुझे बचा लो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुष्का तुम इन्हें मत बचाओ, ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, ये इसी लायक है। हाँ अनुष्का ये इसी लायक है। नहीं तुम दोनों मेरी माँ को माफ कर दो, आखिर में ये मेरी माँ ही तो है ना, और इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम इन्हें पहले जैसा कर दो। अनुष्का के इतना कहते ही दोनों लहंगे अपने शक्ति से अनीता को पहले जैसा कर देती हैं। अनुष्का बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किया, मुझे पता है मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं माँ, गलती हर इंसान से होती है, मैं आपको माफ करती हूँ।
उस दिन के बाद से अनुष्का और अनीता जादुई लहंगे की मदद से थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने गांव में सभी अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोलते हैं और साथ ही गांव के गरीबों की भी मदद करती हैं। दोनों जादुई लहंगे अनीता और अनुष्का की बहुत मदद करते थे। उस दिन के बाद से अनुष्का और अनीता की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रही और वो दोनों जादुई सोने और चांदी के लहंगों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।